नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्या है फिजिकल इंटीमेसी जो कैजुअल होती है। कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी मतलब ऐसे टेम्पररी फिजिकल इंटीमेसी है क्या, इसके फायदे हैं और कैसा करना चाहिए, इसके बारे में बात करूंगा। मैं डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्या है कि कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी जो होती है, जिसमें बहुत ही रेयरली कभी तभी ऐसा सेक्स होता है, फिजिकली आप किसी के पास जाते हो, सेक्स करते हो, और वो बहुत कैजुअल होता है। इसमें कोई किसी तरह का कोई संबंध रहता नहीं, ना भावनाएं जुड़ी रहती है, ना पैसे का लेन देन होता है, ना कुछ कमिटमेंट होता है, बस दोनों को अच्छा लगता है करके वो साथ में आते हैं। तो इसके ये मतलब ये एक अजनबी लोगों के साथ में आप सेक्स करते हैं, कैजुअली आप किससे मिले हैं, अच्छा लगा है और आप उनके साथ में सेक्स कर रहे हैं, इसमें भावना बिल्कुल होती नहीं है। ये विदेशों में ज़्यादा है, हमारे भारत देश में बहुत कम है ऐसा। हमारे देश में होता है तो एक तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, भावनाएँ जुड़ी हुई है, वादे करते हैं और बाद में प्रॉब्लम में आते हैं, या फिर पैसे के लिए करते हैं सेक्स, पैसे के लिए सेक्स करते हैं। बहुत लोग मुझे मिलते कि नहीं नहीं हम तो कैजुअल सेक्स करते हैं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों कर रही है लड़की तुम्हारे साथ में कैजुअल सेक्स, कुछ ना कुछ तो मिलता होगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ मैं देता नहीं हूँ। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना, कुछ ना कुछ फ़ायदे मिलते होंगे, कुछ आप प्रेजेंट देते होंगे, गिफ्ट देते होंगे। हाँ वैसा देता हूँ, बोले गिफ्ट पिछले बार एक सोने का हार दिया था, सोने का मतलब चेन दिया था, मतलब कुछ ना कुछ देते हैं। तो ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो पैसे के लिए सेक्स हो गया तो वो नहीं है। ये सेक्स जो है कैजुअल सेक्स, ये बिल्कुल ही भावनाएं नहीं है और पैसा नहीं है, और दोनों तभी भी बीच बीच में आके सेक्स करते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदे है? नंबर एक, इसमें दोनों को भी अच्छा लगता है, दोनों अच्छा महसूस करते हैं सेक्स करने के बाद में, जो आनंद आता है वो आनंद आता है, मूड अच्छा हो जाता है। इसमें कोई वादा नहीं है। इसमें पार्टनर चुनना, कौन सा पार्टनर चुनना, ये अधिकार दोनों का भी है। पार्टनर बदलते रहते हैं, कब करना, किसके साथ में करना, ये आपका चॉइस है। तो इसमें बहुत अच्छा लगता है और बिना तनाव का रहता है, टेंशन का रहता है। तो नंबर दो जो है वो तनाव कम है इसमें, नंबर दो का फायदा, तनाव नहीं है, टेंशन नहीं है, खिटखिट फिटफिट नहीं है कि भाई वो पीछे लग जाएंगी या वो पीछे लग जाएगा या बाद में फिर और तकलीफ होंगी। बस एक बार साथ में आए, सेक्स कर लिया, फ्री हो गए, बाद में कुछ संबंध नहीं है। तो तनाव की मतलब तनाव कम करने के लिए फायदेमंद होता है। स्ट्रेस बहुत है और रूटीन इसमें पार्टनर नहीं है, कैजुअली आप किसके साथ में सेक्स करते हो तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो नंबर एक आप अच्छा महसूस करते हो, नंबर दो आपको तनाव कम हो जाता है आपका, नंबर तीन इसमें ज़्यादा काम सुख मिलता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली तो होता नहीं है, कभी तभी बीच में होता है, एक दो महीने में कभी तभी हो जाता है। पैसे का लेन देन नहीं है, ताकि मतलब ऐसा व्यवहार नहीं कि चलो जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो, चलो पैसे निकालो, चलो बाजू हटो, ये भी नहीं रहता है, और नयापन भी रहता है, गैप बहुत होती रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कामोसुख आता है, दोनों को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने के लिए मिलता है। नंबर चार, फ्रेंड विथ बेनिफिट से भी ज़्यादा होता है। फ्रेंड विथ बेनिफिट से ज़्यादा मतलब ये है कि देखो फ्रेंडशिप है तो उससे बेनिफिट होते रहते हैं। तो फ्रेंड विथ बेनिफिट में क्या होता है, कमिटमेंट है, कुछ ना कुछ सपोर्ट करना पड़ता है, मेंटली फिजिकली सपोर्ट करना पड़ता है एक दूसरे को, तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट है जब आपकी फ्रेंडशिप है और सेक्स भी है। तो इसमें क्या है कैजुअल सेक्स में कि आपकी कोई भी फ्रेंडशिप नहीं है, तो इसे ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि आपको कोई कमिटमेंट नहीं है तो फिर सवाल ही नहीं आता, लोड नहीं है, बाद में टेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट से भी ज़्यादा बेहतर है। और पाँचवा पॉइंट है कि भावनाएँ आपके ऊपर हावी होती नहीं है। क्या है कि इसमें कमिटमेंट नहीं है, शादी का कमिटमेंट नहीं है, कोई पैसे का कमिटमेंट नहीं है, बाद में संपर्क करने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का, हेल्प करने का कुछ भी कमिटमेंट नहीं है। एक ही कमिटमेंट है कि दोनों साथ में आओ, एंजॉय करो, बाजू हो जाओ, बाद में मिलो नहीं मिलो बात का काम। तो ये भावनाएं कोई हावी होती नहीं है, इसलिए बहुत ही फ्रीडम से होता है सेक्स, दोनों भी एंजॉय करते हैं, और भावनाएं नहीं है तो स्ट्रेस कम होता है इसमें। तो ये है कैजुअल सेक्स, कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी, और
बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसमें भावनाएं जब नहीं है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि भावनाओं से ही बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या होता है, सेक्स करने को मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी को ही चाहिए, औरत को भी चाहिए। मतलब जब मैं हमारे पास में जब पेशेंट्स आते हैं, मैं पूछते रहता हूँ कि क्या आपका कोई बाहर है, कॉन्टैक्ट है, तो बोलता हाँ है। तो जब वो बोलता है कि हाँ है, इसका मतलब बाहर औरतें भी तैयार है ना, ऐसा नहीं कि इनको ही चाहिए, आदमी को ही चाहिए, औरतों को भी चाहिए, सिर्फ वो बोल के बताती नहीं है। तो दोनों भी करते रहते, दोनों को भी इच्छा होती रहती है। करना नहीं करना वो आपका चॉइस है, मैं ऐसा कोई प्रपोगेट नहीं कर रहा हूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे इतना ही आपको बताना था कि फिज़िकल इंटीमेसी जो है, कैजुअल फिज़िकल इंटीमेसी के फ़ायदे क्या है। नुकसान ऐसा है कि आप फ्रीली ये कमिट मतलब करते नहीं है, बोलते नहीं हैं, और यदि कहीं आपके पार्टनर को कहीं उसका मतलब शक आ गया, डाउट आ गया, तो उसमें प्रॉब्लम बाद में फिर हो सकता है। और वैसे भी आपका कमिटमेंट आपके पार्टनर के साथ में, आपके पत्नी के साथ में है, और जब आपका कमिटमेंट आपके पत्नी के साथ में है तो फिज़िकल इंटीमेसी कैजुअली भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका ना प्रोपोगेट करता हूँ ना इसके अपोज में हूँ, चॉइस आपका है। इसमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है बोलने का काम मेरा है। ये आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आप आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।